हे नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। दोस्तों बात करेंगे कल मार्केट कैसा रहेगा, कौन से स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। गाइस मैं आज बाहर हूँ कहीं और आया हुआ था तो गुगू भी मेरे साथ ही है और वीडियो बनाने नहीं दिया था बट जबरदस्ती भाई बोल के बना रहे हैं, देखो चिल्ला रहा है अभी भी। तो बड़ी मुश्किल से गुगू को बाहर भेजे हैं, लाइट थोड़ा सा आपको कम लग रहा होगा। यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम पे हम खड़े हैं अभी बैंक निफ्टी में, एक और हॉल्ट कैंडल के टाइप का बन गया है बट नीचे से रिजेक्शन है, प्राइस नीचे आने की कोशिश किया है बट नीचे से रिजेक्शन लिया है जो कि एक बुलिश सिनेरियोज बन रही हैं। हमारे पास जो हर्डल है वो 800 के आसपास का बन रहा है, अगर 800 के ऊपर मार्केट सर्वाइव कर पाता है तो अच्छा खासा एक ऊपर का साइड का हमें सिनेरियो दिखाने के लिए तैयार हो जाएगा। 800 का लेवल मैं क्यों बोल रहा हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप इसको थोड़ा शॉर्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा। ये यहाँ पे अगर मैं ये मार्किंग करूँगा तो आप देखोगे ये 750-760 से लेकर पूरा 800 तक का लेवल बन रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 760-750 के ऊपर भी एक बार निकल रहा है ना, आप इसके ऊपर भी बाइंग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फ्यू क्वांटिटी आप यहाँ पे कर सकते हैं। 900-950 तक का टारगेट रहेगा, उसके बाद और भी ऊपर जाता हुआ मिल सकता है। अभी इमीडिएट लेवल पे कल क्या बन सकता है, दो सिनेरियोज हमारे पास रहेंगे कल। हाँ बिल्कुल, सेलिंग भी हम कर सकते हैं, कल हमारे पास सेलिंग का भी सिनेरियो रहेगा, कल हमारे पास बाइंग का भी रहेगा। नैरो हो गया है रेंज, छोटा हो गया है तो ये हमारा सेलिंग का एरिया हो गया है 44,400 के नीचे अगर निकलेगा हम एक सेलिंग साइड में प्लान करेंगे। बाइंग हम करेंगे जो वो 770-760 के ऊपर करेंगे। आप कहोगे सर 760 के ऊपर भी तो बाय कर सकते हैं 100 रुपीज़ के टारगेट के लिए, तो यहाँ पे हर जहाँ पे भी आप जो भी स्विंग के बाद बाय करोगे बाइंग में, हर जगह के बाद एक 100 पॉइंट का हर्डल है, मतलब ये ब्रेकआउट किया 100 पॉइंट ऊपर हर्डल है, फिर ये ब्रेकआउट करेगा इसके बाद भी 100 पॉइंट ऊपर हर्डल है, मतलब 900 तक का 100 पॉइंट ऊपर तक के हर्डल है। असली बाइंग जो कि बढ़िया बाइंग आएगी वो 45,000 के ऊपर ही पॉसिबिलिटीज़ है, बाकी ऊपर से थोड़ा आएगा, ऊपर से सेलिंग आएगी, नीचे से बाइंग आएगी, यही सिनेरियो चलता रहेगा। अग्रेसिव सेलिंग भी जो है वो 43,900 के नीचे हम समझ सकते हैं, लेकिन हाँ कल के दिन अगर आपको ये दो लेवल्स निकलते हुए नज़र आ जाते हैं, सॉरी जो एक लेवल है 44,400, दूसरा लेवल है 44,300, ये दोनों लेवल के नीचे अगर सर्वाइव कर जाता तो यहाँ पे एरिया बहुत बड़ा है, टारगेट बड़ा मिल जाएगा आपको, अप्रॉक्स 300 पॉइंट तक का टारगेट इमीडिएट लेवल पे दिखा सकता है। ये हमारा बैंक निफ्टी का प्लान है, अगर बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम प्लान कर लेंगे प्राइस एक्शन इंट्राडे पे देख के। लेकिन हाँ अगर गैप डाउन बड़ा खुलेगा फिर तो सेलिंग का ही सिनेरियो मानेंगे, बड़ा गैप अप खुलेगा उस कंडीशन में आपको प्राइस एक्शन देखने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, निफ्टी हमारे पास है, ये वाला लेवल हमने डिस्कस किया था आज 19,590 का, जो कि स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो कल ऑब्वियसली बात है 600-640 के ऊपर अगर निकलेगा हम बाइंग साइड के लिए प्लान करेंगे और इमीडिएट लेवल पे सेलिंग भी यहाँ पे है। ये हमारा लेवल रहेगा 19,520, अगर 19,520 के नीचे निकल रहा है हम इमीडिएट लेवल पे एक सेलिंग भी प्लान कर लेंगे। गैप अप खुल रहा है तो भी बाइंग साइड के लिए सिनेरियो बन जाएगा, गैप डाउन खुल रहा है तो भी बाइंग साइड सेलिंग साइड के लिए हमारा सिनेरियो दिखा सकता है, लेकिन हाँ सेलिंग करिएगा सिर्फ और सिर्फ 19,520 के बिलो, यही हमारा सिनेरियो रहेगा। उसके पीछे का लॉजिक आपको भी समझ में आ रहा है कि मार्केट स्लो एंड स्टेडी बराबर ऊपर जा रहा है, जब एक लास्ट स्विंग को अभी तक ब्रेक नहीं कर पा रहा अच्छे से तो ये अभी नया रीसेंट लास्ट स्विंग है, रीसेंट लास्ट स्विंग को ये ब्रेक करेगा तो नो डाउट अगले लास्ट स्विंग यानी कि 430 तक का टारगेट आपको दिखा सकता है, जो कि अप्रॉक्स 100 पॉइंट बन रहा है, निफ्टी में 100 पॉइंट बहुत अच्छा होता है। अच्छा कल वेडनेसडे है और कल में भी एक्सपायरी भी है एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का, तो थोड़ा सा नज़र में रखिएगा बैंक निफ्टी को भी, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी कल आपको देखने को मिलने वाला है। अगर हम बात करें स्टॉक्स के बारे में, रिलायंस हमने आज कल डिस्कस किया था, आपको याद होगा एक बॉक्स पैटर्न हमने मार्क किया था, इस बॉक्स के ऊपर ब्रेकआउट तो किया है लेकिन कहीं ना कहीं इसी के बीच में सस्टेन कर गया है, रुक गया है, तो अभी भी इसमें बाइंग का सिनेरियो कंटिन्यू रहने वाला है, लेकिन थोड़ा सा अब हम ऊपर बाइंग करेंगे यानी कि 2430 के अबव निकलेगा, हम एक बाइंग साइड के लिए प्लानिंग कर लेंगे। सेलिंग अभी थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा बट हाँ प्राइस एक्शन बिल्ड कर रहा है तो एक देख लेंगे हम, अगर मान लो यहाँ पे कहीं खुला ये लेवल के आसपास कहीं खुला है मार्केट फ्लैट और यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार कैंडल या कोई रिवर्सल या बेरिश कैंडल बना रहा है तो इस स्विंग के नीचे या यहाँ पे उस कैंडल के नीचे हम सेलिंग साइड भी थोड़ा बहुत प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है टीसीएस पे नज़र रख लीजिएगा, टीसीएस में भी अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिल सकता है। हमारे पास जो टीसीएस में प्लानिंग है वो हमारा सेलिंग का लेवल है 3409, बहुत बढ़िया सेलिंग आपको देखने को मिल सकता है। बाइंग थोड़ा सा अवॉइड करना चाह रहा हूं मैं, फिर भी अगर 3447 के ऊपर निकल रहा है हम एक बाइंग साइड के लिए प्लानिंग करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आज थोड़ा फास्ट एंड जल्दी मतलब क्लोज करने की किया हूँ, फैन भाई बंद ऊपर पड़ा है और गर्मी में मतलब बना रहा हूँ, पसीना सर पे है देख पा रहे होंगे, तो जल्दी में मतलब मैंने वीडियो को ख़त्म करने की है बस फटाफट। मिलते हैं किसी और वीडियो में, कल डिटेल एनालिसिस हम करेंगे।